भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2022 में देवशयनी एकादशी कब रहेगी तथा आपको व्रत कब आरंभ करना है और इस व्रत को कब खोलना है, यानी इस व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के पश्चात आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को या अन्य जो भी आपके संपर्क है उनको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, शास्त्रोक्त विधि सबको ज्ञात हो सके। इस बार देवशयनी जो एकादशी है वो 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है, यानी उस वर्ष 2 एकादशी अधिक होती है। पूरे वर्ष में प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा आपके जो पितर लोग हैं, जो पूर्वज है, उनका मोक्ष नहीं हो पाया है, उनको अधोगति प्राप्त हो चुकी है या किसी कारण से उनकी आत्मा तड़प रही है या आपके घर परिवार में पितृ दोष है, तो आपको प्रत्येक माह की दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। और जब आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके कई जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा, और जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है तथा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। हरिशयनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन को श्री हरि विष्णु का शयनोत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है वो 9 जुलाई 2022 शनिवार के दिन अपराह्न यानी दोपहर के बाद 4:39 पीएम से एकादशी तिथि शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन यानी 10 जुलाई 2022 रविवार को दोपहर 2:13 पीएम पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 9 जुलाई को दोपहर के बाद 4:39 से एकादशी तिथि लग रही है, जो कि अगले दिन यानी 10 जुलाई 2022 रविवार को दोपहर 2:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन, माताएं बहने 10 जुलाई 2022 को एकादशी का व्रत करेंगे उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 11 जुलाई 2022 सोमवार को सुबह 5:57 से लेकर के 8:57 के बीच में उनको इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो सर्वोत्तम एकादशी है जिसे हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है वो 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव स्मार्त या अन्य परंपरा, जो भी परंपराओं को मानते हैं उन सभी को
केवल और केवल 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से हरि का जो है शयन हो जाता है, यानी भगवान नारायण 4 माह के लिए विश्राम करते हैं, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही उठते हैं। इस बार श्री हरि नारायण 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन से शयन करेंगे, जो कि 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही देवता उठेंगे। इन 4 माह की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है और चातुर्मास के नियम आरंभ देवशयनी एकादशी से ही आरंभ हो जाते हैं। वैसे तो सन्यासी लोग, विरक्त लोग जो कि गुरु पूर्णिमा से चातुर्मास आरंभ करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों का जो चातुर्मास होता है वो देवशयनी एकादशी से ही माना जाता है और चातुर्मास के नियम इसी दिन से आरंभ हो जाएंगे, जो कि देव प्रबोधिनी एकादशी यानी 4 नवंबर 2022 को जब देवता उठेंगे तब चातुर्मास के नियम समाप्त होंगे। 10 जुलाई 2022 रविवार को इस बार देवशयनी एकादशी है और सभी भक्तजन जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको और जो नहीं भी करते हैं उन सभी को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी को बड़ी एकादशी माना जाता है और 4 माह के लिए प्रभु का विश्राम होता है और इस एकादशी का जो मनुष्य व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और इस दिन भगवान नारायण को यानी भगवान श्री हरि को शयन कराया जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अथ एकादश्याम विष्णु शयनोत्सव, यानी इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का शयनोत्सव किया जाता है। लेकिन ध्यान रखे, भगवान नारायण का जो शयनोत्सव होता है वो सूर्यास्त के पश्चात यानी रात्रि में ही आपको करना चाहिए और भगवान का जो प्रबोधन है यानी भगवान को जो उठाने का कार्य होता है वो दिन में करना चाहिए। तो आप इस दिन भगवान श्री हरि नारायण का शयनोत्सव कराए, यानी रात्रि के समय एक सुंदर आसन के ऊपर बैठ करके और भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। सोए हुए नारायण का पूजन इस दिन किया जाता है रात्रि के समय, तथा जिनके चरणों में माता महालक्ष्मी बैठी हुई है ऐसे प्रभु श्री नारायण का पूजन अर्चन करके उनको सुलाया जाता है, उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और इस एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि यानी 9 जुलाई 2022 शनिवार के दिन दशमी के नियम पालन करना चाहिए और दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, भोजन में लहसुन प्याज मांस मदिरा का परित्याग कर देना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए एवं दशमी तिथि के दिन पराए अन्न का यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। और इसी प्रकार आपको एकादशी तिथि के दिन यानी 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश विलंब हो जाता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो कृपालु है। आप यदि कोई नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और स्नान करें। स्नान करने के बाद जिन वस्त्रों को आपने पहना था उनको आप बिना गीले किए छूना नहीं है, यानी उनको स्पर्श नहीं करना है। और जिन व्यक्तियों ने, जिन घर के सदस्यों ने स्नान नहीं किया है उनको भी स्नान करने के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा स्नान करने के बाद सर्वप्रथम आप धुले हुए कपड़े पहने, मस्तक पर तिलक धारण करें। तिलक कोई सा भी धारण करें, चाहे चंदन का लगाए, कुमकुम का लगाए, आप अपनी परंपरा, आस्था और अपने मन के अनुसार अपने मस्तक पर
तिलक अवश्य धारण करें। और इसी तरह आप सबसे पहले भगवान का नित्य का जो आप पूजन अर्चन करते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, या जो भी आपके नित्य कर्म की पूजा है उसको संपन्न करें, और उसके पश्चात आप एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। इसी तरह यदि आप चातुर्मास का संकल्प भी धारण करना चाहते हैं तो इसी एकादशी व्रत के संकल्प के साथ में चातुर्मास का संकल्प भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन चातुर्मास का जो संकल्प धारण किया जाता है वो शंख के माध्यम से संकल्प धारण किया जाता है, यानी एक शंख लेकर के उसमें जल, तुलसी जी का पत्ता और जव और तिल रख करके चातुर्मास का संकल्प धारण किया जाता है। लेकिन यदि आप चातुर्मास का संकल्प धारण नहीं कर रहे हैं तो आप केवल एकादशी व्रत का संकल्प भी धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास शंख नहीं है तो आप मानसिक रूप से शंख का ध्यान करते हुए संकल्प भी धारण कर सकते हैं। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए तथा हाथ की अंजलि के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और इसमें आप जव तिल रखे। तिल कोई सी भी ले सकते हैं, सफेद तिल या काले तिल या मिश्रित तिल, लेकिन इस दिन अक्षत हाथ में नहीं रखना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत में चावल या अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि आपके पास पीला पुष्प उपलब्ध है, कुछ दक्षिणा उपलब्ध है, सुपारी उपलब्ध है तो वो भी आप संकल्प के रूप में हाथ में धारण कर लेवे। भगवान श्री हरि नारायण के नामों का 3 बार उच्चारण करें, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकरणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन् मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशालाक्षे मध्य प्रदेश से भोपाल मंडलांतर्गत ही आप अपने नगर का, शहर का, राज्य का, जहां पर भी आप रहते हैं वहां का उच्चारण करिएगा। भोपाल मंडलांतर्गत ही भोपाल नामनी नगरी ही सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे ही अद्याय देवशयनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियोहु विष्णु शयनोत्सव परमांग भूता नाम्मा अद्य दिवसे ही वर्षा ऋतौ मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियौ रविवासरान्वितायाम्मा अद्य दिवसे ही विशाखा नामक नक्षत्रैः वृश्चिक राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्ति अर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम सर्व देवताः प्रीत्यर्थम दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मीश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही देवशयनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये ही। यदि आपने हाथ के मध्य में शंख में संकल्प धारण किया है तो आप शंख के माध्यम से प्रभु को वह जल अर्पण कर दीजिएगा, और यदि शंख नहीं है आपके पास में तो हाथ में जो जल रखा है वह आप प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा। इस प्रकार एकादशी का जो संकल्प होता है वो सभी को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी आपके मन में कोई
कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो उसे निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से, यानी आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। आपके पास ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी हमारे संकल्प को श्रवण करते हुए, यानी सुनते हुए भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। वैसे तो जो चातुर्मास के नियम है वो देवशयनी एकादशी से आरंभ हो जाएंगे। चातुर्मास का अर्थ होता है कि श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन चार माह की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर के देव प्रबोधिनी एकादशी तक निरंतर चातुर्मास चलता रहता है। और अगर आप चातुर्मास का नियम पालन करना चाहते हैं तो आपको श्रावण माह में हरी सब्जी का परित्याग कर देना चाहिए। यानी श्रावण में शाक का उपयोग नहीं किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में आप सावन के महीने में हरी सब्जी का उपयोग भोजन में बिल्कुल न करें, तथा भादों के महीने में यानी भाद्रपद में दही का परित्याग कर देना चाहिए। भादों के महीने में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसी तरह आश्विन के महीने में यानी कुवार के महीने में दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, तथा कार्तिक के महीने में द्विदलम परित्याग यानी दाल का परित्याग कार्तिक के महीने में किया जाता है। सावन के महीने में शाक नहीं खाई जाती है, यानी हरी सब्जी नहीं खाई जाती है। भादों में दही नहीं खाया जाता है। आश्विन यानी कुवार महीने में दूध नहीं पिया जाता है। कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो चातुर्मास में हविष्यान्न का उपयोग करना सर्वोत्तम बताया गया है। तो आप चातुर्मास के नियम पालन इसी दिन से आरंभ कर दीजिएगा। देवशयनी एकादशी व्रत में आपको अन्न बिल्कुल नहीं खाना है, यानी इस दिन केवल और केवल शुद्ध और सात्विक फलाहार ही आपको करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तुएं या गाय का दूध माना जाता है, तथा फल माने जाते हैं। अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उनका भी उपयोग आप एकादशी व्रत में कर सकते हैं। एकादशी व्रत वाले दिन घर में चावल किसी को भी खाना भी नहीं चाहिए और चावल बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग करना वर्जित माना गया है। और एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल शुद्ध और सात्विक फलाहार ही करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में किसी भी परिस्थिति में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल समुद्री नमक, जो कि सेंधा नमक या काला नमक होता है, उसी का उपयोग फलाहार में आप कर सकते हैं। सादे नमक का उपयोग एकादशी व्रत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन पति पत्नी को यानी विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, या शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। और एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन आप वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना इस दिन बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। साथ ही एकादशी के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। गौ माता को आप भोजन करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गौ माता को आप रोटी दे सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गौ माता को आप फल खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गौशाला में जाकर के आप गौ माता की प्रिय वस्तुओं का, जैसे हरी घास का, हरी सब्जी का दान कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। यानी गौ माता के निमित्त आप शुद्ध और पवित्र वस्तुओं का दान इस दिन अवश्य करें, तथा एकादशी व्रत जो करता है उसको पूरे संयम और नियम के साथ में दिन व्यतीत करना चाहिए।
यानी भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म, रजस्वलावस्था या फिर पीरियड में आती है, तो उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन व्रत के दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो गर्भवती माताएं बहनें होती है, वो भी चाहें तो एकादशी का व्रत कर सकती है, लेकिन ध्यान रखे उनके उदर में, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है, उसका ध्यान रखते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार करते हुए एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी व्रत में दवाई ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। दवाई लेने से भी कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य तथा धर्म माना जाता है। और एकादशी व्रत जो करता है उसको रात्रि के समय जागरण भी करना चाहिए, पूरी रात जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। पूरी रात यदि नहीं जाग सकते हैं तो एक पहर यानी तीन तीन घंटे का एक एक प्रहर होता है, जितने प्रहर वो जागरण कर सके वो जागे, और अगले दिन सुबह यानी 11 जुलाई 2022 सोमवार को सुबह जल्दी स्नान कर लेवे, और स्नान करने के बाद भगवान का पूजन तथा अर्चन करें, और उसके बाद में भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल रख करके या मानसिक रूप से संकल्प धारण करें कि हे प्रभु, हमने देवशयनी एकादशी का व्रत किया है और आज हम इस व्रत का पारणा करने जा रहे हैं, तो आप व्रत का पारणा करने के लिए तुलसी दी और जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और अगले दिन जैसे आपको प्रदोष का व्रत करना है, क्योंकि अगले दिन यानी 11 जुलाई को प्रदोष है, द्वादशी तिथि है, और कई माताएं बहनें भक्तजन प्रदोष का व्रत रखेंगे तो वो फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, अन्न से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप इस दिन भोजन यदि करते हैं तो चावल का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि दशमी और एकादशी दो दिन तक निरंतर हम चावल का परित्याग कर देते हैं, लेकिन चावल देवन्न है, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं या भोजन करते हैं उस दौरान आपको चावल अवश्य खाना चाहिए। इस दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन करें। पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का भी भोजन के रूप में इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको जनार्दन यानी भगवान विष्णु के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा, और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य देवे, फलाहार भी आप उनको करवा सकते हैं। और द्वादशी के दिन जब हम पारणा करते हैं उस दिन भी दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाने से एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है, तो द्वादशी के दिन आप ब्राह्मणों को आटा दाल चावल दान देवे या फिर ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन करवाए। यदि नहीं दे सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं भोजन, तो भोजन के निमित्त उनको नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मण को एकादशी के निमित्त गौ दान करने का भी बहुत अधिक पुण्य होता है, वस्त्र दान का भी महान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप अन्नदान भी कर सकते हैं, भूमि का दान भी कर सकते हैं, स्वर्ण का दान भी कर सकते हैं, यानी जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आपकी शक्ति हो, उसके अनुसार आपको एकादशी के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है, और जब हमारा धन पवित्र होगा और पवित्र धन का जब हम उपयोग करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, और हमारा मन पवित्र होगा
तो हम जीवन में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमें प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। देवशयनी एकादशी के दिन वैसे तो आप जो परंपरागत फलाहार करते हैं वो आप करते रहें, लेकिन इस दिन फलाहार में द्राक्ष का यानी किशमिश जिन्हें हम कहते हैं, दाग भी कहते हैं, द्राक्षा का उपयोग जरूर करना चाहिए। इस दिन द्राक्षा का विशेष फलाहार माना जाता है। इस बार 10 जुलाई 2022 को रविवार के दिन देवशयनी एकादशी है, वहीं 11 जुलाई 2022 को द्वादशी तिथि है तथा प्रदोष रहेगी और 12 जुलाई को त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि रहेगी। वहीं 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और सन्यासी और विरक्त जो लोग रहते हैं वो गुरु पूर्णिमा से ही अपना चातुर्मास आरंभ करते हैं। तो 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा का पर्व रहेगा, वहीं 14 जुलाई से सावन माह आरंभ हो जाएगा जो कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और 12 अगस्त को श्रावण माह समाप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप देवशयनी एकादशी के निमित्त अन्नदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।